हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं दिल्ली से गांव। वहाँ पे कुछ हमें काम है तो पहले काम करके आएंगे, बाद में दिल्ली आएंगे, फिर से दोबारा से आएंगे। और बस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है ना, बस बुरी हालत हो रखी है दिल्ली में, आग बरस रही है पूरी दिल्ली में। तो ये देखिए मेरे घर की कितनी बुरी हालत हो रखी थी। मैं घर पर आ गई थी और ये मेरी ननद है जो झाड़ू लगा रही है। ये बोली थी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी सफाई अपने आप कर लेना। मैंने कहा ठीक है तुम झाड़ू लगा दो। तो ये भी झाड़ू लगा रही हैं। घर में इतनी धूल आ गई ना, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी। चारों तरफ से बंद था लेकिन फिर भी धूल ने ना बुरी हालत कर रखी थी घर में। देख के मतलब घर ना बहुत बेकार लग रहा था मेरे को। और अब ना मैंने पूरे घर की वॉशिंग शुरू कर दी है क्योंकि ये धूल झाड़ू से तो जाने वाली थी नहीं, तो इस वजह से मुझे धुलना पड़ेगा पूरा घर पानी से अच्छी तरीके से। और अभी मैं धुल रही हूँ चारपाई, क्योंकि चारपाई भी धूल से ना एकदम वाइट कलर की दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसलिए इस चारपाई को भी धुल दूँगी और इसे धूप में डाल दूँगी क्योंकि फिर इस पर आराम भी करना है। और अंदर रूम में तो मतलब सोया भी नहीं जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, इस वजह से यहीं पर ही सो जाते हैं कूलर लगा के। और कूलर की भी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि कूलर भी अभी तक नहीं उतारा है, वो ऊपर ही रखा हुआ है तो इस वजह से। और अभी तो बस चारपाई धुल लूँगी और बाद में ये फोल्डिंग भी धुल दूँगी क्योंकि फोल्डिंग भी बेकार हो रखा था, धूल मिट्टी से बुरी हालत हो रखी थी। और ये देखिए कमरे की क्या हालत हो रखी है। ये तो खैर अभी हुई है क्योंकि जो हम बैग लाए थे वो हमने यहाँ पे रख दिए थे, बाकी तो वैसे मैं सफाई करके ही गई थी। लेकिन ये देखिए मैंने फोल्डिंग भी शुरू कर दिया धुलना क्योंकि अभी बहुत गंदा हो रखा था, ऐसे मन भी नहीं करता जब धूल धूली होती है तो इस वजह से। और ये फोल्डिंग भी आ गई है एडिट करते समय। तो देखिए अभी पूरा घर धुला है पानी से क्योंकि घर की हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। अभी देखिए पूरा साफ़ कर दिया, जितनी भी धूल मिट्टी अंदर जा रखी थी क्योंकि आज हमने पूरा घर धुला है। और सोफे के कवर मैंने मशीन में डाल दिए, मैं बाद में धुलूँगी दूसरे कवर पे वो करूँगी मैं, क्योंकि घर की हालत इतनी ज़्यादा बेकार हो रखी थी बहुत ज़्यादा। तो और ये जो पौड़ियाँ थी इनको भी धुल दिया पूरा अच्छी तरीके से क्योंकि बता नहीं सकती मैं अब घर की हालत क्या हो रखी थी। और अभी किचन का सिर्फ मैंने फर्श धोया, बाकी जो भी हमने चाय पी थी तो अभी वो बर्तन और ये धूल मिट्टी देखे दूर से दिख रही है कितनी धूल मिट्टी हो रखी है। तो अभी मैं बाद में सफाई करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि आज फिर सारा पूरा काम हो गया था। देखिए अभी बस ये देखिए कितना गंदा हो रखे हैं, ये देखिए काफ़ी गंदा हो रखे हैं। अभी सिर्फ मैंने फर्श ही धोया है और मैंने बेड साफ किया है क्योंकि इसमें धूल मिट्टी पूरी आ रखी थी। और कूलर वहाँ पे था, वहाँ पे हमने उतार लिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है हमें। देखिए इसकी भी सफाई करनी है, बाकी नॉर्मली वैसे सफाई कर दी थी इसकी, देखिए इसे बाद में सफाई कर। और अभी इसके बाद मैं जाऊंगी छत पर क्योंकि टैंक ना साफ़ कर रहे हैं और उस जो टैंक का ढक्कन था ना वो हवा से उड़ गया था और बंदर ना उसमें नहाता था, इस वजह से ना हमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी दोबारा से। और ये देखिए यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो ठीक है मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, बाय बाय।